हजरत ग्यारहवीं शरीफ का एक बेहतरीन अमल और ये बेहतरीन तोहफा है जिसको हम सलातुल असरार नमाज गौसिया कहते हैं, और इसका हवाला यानी रेफरेंस बहजतुल असरार के मुसन्निफ अलामा सतनूनी अलैहि रहमा ने हुजूर गौसे आजम शेख अब्दुल कादर जिलानी के हवाले से बयान फरमाया है। और शेख अब्दुल हक मुहद्दिस देहलवी और मुल्ला अली कारी रदियल्लाहु अन्हुम ने भी इसे मुस्तनद बताया है। तो आज यानि हर जुमेरात को रबीउल आखिर की यानि रबीउल गौस भी यानि इसी महीने की हर जुमेरात को ये अमल करें, और रमजान शरीफ में भी आप कर सकते हैं, और हर महीने की ग्यारहवीं शरीफ की मगरिब की नमाज के बाद आप ये अमल जरूर करें। तो नमाज गौसिया आज हमारा टॉपिक है, तो आइए आगे बढ़ते हैं। हजरात, आप चैनल पे नए हैं तो मेरी गुजारिश है आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और बाजू में जो बेल आइकन है उसे भी प्रेस करें, ऑल नोटिफिकेशन लगाएं ताकि आपको रेगुलर अपडेट्स इस्लामिक आपको मिलती रहेगी। लिहाजा जरूर ये नमाज ग्यारहवीं शरीफ के महीने में हर जुमेरात को मगरिब की नमाज के बाद दो रकात नफिल अदा करने आपको, और हर रकात में सूरे फातिहा के बाद 11 मरतबा सूरे इखलास पढ़ना है, ठीक है ना। और उसके बाद जब आप सलाम फेर लें तो अल्लाह ताला की हमद करें, फिर 11 बार दुरूद पाक पढ़ें, फिर 11 बार दुआ ये आप पढ़ें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, या रसूलुल्लाह, या नबी अल्लाह, अगिथनी वम्दुनी फी कदा हाजती या कादियल हाजात, ये दुआ आप पढ़ें, ठीक है ना। फिर उसके बाद आप 11 कदम बगदाद शरीफ की तरफ चलें, छोटे छोटे कदम ले, अदब के साथ चलें। फिर जैसे ही आप चलें, अब जैसे ही बगदाद शरीफ की तरफ आप कदम बढ़ाएं तो पहले कदम पर पढ़ें अस्सलामु अलैक या सुल्तान अल औताद, दूसरे कदम पर पढ़ें अस्सलामु अलैक या सुल्तान अल अब्दाल, तीसरे कदम पर पढ़ें अस्सलामु अलैक या सुल्तान अल अक्ताब, चौथे कदम पर पढ़ें अस्सलामु अलैक या गौसुल आजम, पांचवें कदम पर पढ़ें अस्सलामु अलैक या बाजियल असहब, छठे कदम पर पढ़ें अस्सलामु अलैक या फकीर, सातवें कदम पर पढ़ें अस्सलामु अलैक या मिस्कीन, आठवें कदम पर पढ़े अस्सलामु अलैक या गरीब, नौवे कदम पर पढ़े अस्सलामु अलैक या वली, दसवें कदम पर पढ़े अस्सलामु अलैक या शेखुल इस्लाम, और ग्यारहवें कदम पर पढ़े अस्सलामु अलैक या सैयदना व मौलाना अबा मुहम्मद मुहय्युद्दीन अब्दुल कादिर जीलानी या गौस सकलैन व या करीमत तरफैन, अगिसनी वम्दुनी फी कदा हाजती या कादी अल हाजात। फिर आप बगदाद शरीफ की तरफ ही आपका रुख है, वहां बैठ जाएं और 11 मरतबा दुरूद पाक पढ़ें, और जो भी आपकी जायज दुआ मकसद है मुराद है वो बवसीले गौसे आजम अल्लाह रब्बुल इज्जत की बारगाह में अर्ज करें, गौसे आजम की बारगाह में भी अर्ज करें, इंशाअल्लाह मुराद दुआ आरजू तमन्ना जरूर पूरी होगी। नमाज गौसिया का मुकम्मल तरीका पीडीएफ में इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, लिहाजा उसे भी डाउनलोड करें। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले दोस्तों, और कमेंट्स में भी लिख के बताएं, लाइक भी करें, शेयर भी करें, और जिस कदर हो सके इसको फॉरवर्ड करें। जज़ाकुमुल्लाह खैरा फिद्दारैन।